भाई लोग ये बहुत छोटा नाव है यार, कम से कम 15 गाड़ी है, देखते हैं मेरा गाड़ी आएगा कि नहीं, क्योंकि मेरा वैसे भी R15 है, बहुत छोटा नाव है, देखते हैं, और जाना भी बहुत जरूरी है। साइकिल ला लूं बिल्कुल। तो क्या करे यार, बस गाड़ी बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मेरी जो है बाइक गया नहीं, अब मुझे रुकना पड़ेगा कम से कम 1 घंटा, तो रात हो जाएगा, तो नाव को हम लोग बस बाय बाय कर रहे हैं। ये हमारा R15 जो नाव में नहीं आया, अब हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा वेट करना पड़ेगा नाव के लिए। तो अभी भाई सूरज भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि डूब चुका है, शाम भी होने वाला है, तो देखते हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम और जुल्फिकार भाई, कब तक नाव आएगा, हम लोग जाएंगे उधर देखते हैं, जाएंगे नदी के उस पार, देखते हैं, वेट तो करना पड़ेगा भाई, निकल चुके हैं घर से, क्योंकि भाई जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खास काम है, तो इसलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगुबीति, जब तक के लिए बाय। भाई लोग फाइनली यार शाम हो चुका है, लेकिन रात होगा यार, क्या बताएं, इंतजार करना पड़ रहा है, रात होने वाला है। हाँ शाम हो गया, रात होने वाला है, नाव का कोई आता पता नहीं, क्या करे, लगता है रात ही गुजारनी पड़ेगी हमको। हाँ भाई, अरे रजी बुटिया तो नहीं इसके, नहीं रजी बुटिया छे ना मोर बेगो दिया चादर छो चादर टा है, अरे यार नाव का कोई पता नहीं भाई कब तक आएगा। ये है हमारा नाव और नाव का मशीन, अब करेगा इसको स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे चल जा रे, गाड़ी तो अटक गया इधर, क्या हो जाए, गाड़ी अटक गया क्या? हाँ अरे भाई बहुत दिक्कत, चल रहा निकल चुका अपना धम्मो, हाई फाइनली पहुंच चुका है, लेकिन रात बहुत बड़ा हो चुका है, चलो मंजिल की ओर मिलते हैं फिर आगुबीति। सेफ्टी भी जरूरी है टकला में, तो ये ठंडा के मौसम में टोपी भी बहुत जरूरी है, टोपी भी लगा लिया है, सेफ्टी होना जरूरी है, बाइक से चलेंगे तो बहुत ठंड लगेगा, तो चलो भाई जुगाड़ भाई जरूरी है, तो हम भी लगा लिए हैं टोपी, अब चलाएंगे बाइक, अब मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है फिर मिलते हैं।